वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आपका अक्सर आपने ये क्वेश्चन सुना होगा कि जो मेरा पहला बच्चा है वो पूरी ड्यू डेट पर पैदा होगा या ड्यू डेट से लेट पैदा होगा या ड्यू डेट से पहले पैदा होगा, मुझे कैसा पता चले। जैसे कि डॉक्टर्स जो ड्यू डेट देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा किसी की 15 दिन पहले डिलीवरी हो जाती है ड्यू डेट से पहले, किसी की 10 दिन पहले डिलीवरी हो जाती है, किसी की 15 दिन लेट डिलीवरी होती है। तो बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि एग्जैक्ट ड्यू डेट पे डिलीवरी हो। तो आपको कैसे पता चले कि आप कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मतलब जो बच्चा होता है, स्पेशली जो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहला बच्चा है, वो कौन से केसेस हैं जिसमें वो पहले पैदा हो सकता है या फिर पूरी ड्यू डेट पे पैदा हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। पहले केस में अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, सब कुछ परफेक्टली फाइन है, तो और आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट है, तो पूरे पीरियड में जो आपको ड्यू डेट बताया गया है उससे एक या दो दिन पहले या फिर बिल्कुल ड्यू डेट के ऊपर ही आपका बेबी पैदा होगा और ये बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी डिलीवरी होगी। दूसरा जो केस है, दूसरे केस में आपने अक्सर ये सुना होगा, अपने लीडर्स से सुना होगा, आसपास के लोगों से सुना होगा कि अगर आपको बेटा होने वाला होता है तो आपकी ड्यू डेट से पहले डिलीवरी नहीं होती, ड्यू डेट के बिल्कुल पूरी ड्यू डेट पर डिलीवरी होती है जहाँ एक या दो दिन पहले होती है। तो ये भी एक दूसरा केस हो जाता है कि आपका जो बच्चा है अगर वो बेटा होने वाला है तो वो बिल्कुल सही ड्यू डेट पर ही पैदा होगा। तीसरा जो केस है वो है अगर आप बेटी को जन्म देने वाली हैं पहली प्रेगनेंसी में। ये कुछ केसेस के एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे मैं बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं है ये हर केस में सही हो। अगर आप बेटी को जन्म देने वाली हैं तो हो सकता है कि आपकी डिलीवरी ड्यू डेट से 10 दिन पहले हो जाए या 15 दिन पहले हो जाए। जैसे कि मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरी डिलीवरी 15 दिन पहले हो गई थी, लेकिन वो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, वो भी एक रीज़न था। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि अगर लड़की पैदा होने वाली है तो ड्यू डेट से पहले आपकी डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा अगले केस की अगर बात करें, अगर लेडी बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, जैसे काफ़ी थिन है और हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हो सकता है कि वो बेबी की डिलीवरी ड्यू डेट को क्रॉस कर जाए। हो सकता है कि बच्चा लेट पैदा हो, क्योंकि बच्चा जो है वो कवर अप होने में ऐसे केसेस में टाइम लेता है। इसके अलावा अगले केस की बात करें हम, तो जिनकी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जो लेडीज स्ट्रेस से गुजर रही होती हैं, जिनके हार्मोन्स ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनके भी अक्सर बच्चे ड्यू डेट को पार कर जाते हैं। ड्यू डेट से 5 दिन 10 दिन ऊपर जाके बच्चा पैदा होता है। अगर हम बात करें डिलीवरी, ज़्यादा चांसेस जो होते हैं 38 वीक के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। इसमें ड्यू डेट की कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि ड्यू डेट के पास ही हो जब ड्यू डेट पे ही हो जाए, ड्यू डेट से एक दो दिन पहले ऊपर नीचे हो। 38 वीक होने के बाद डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है और वो एक हेल्दी डिलीवरी होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 39 वीक में बच्चा होता है, 40 वीक में होता है, 41 वीक में होता है, तो ये बिल्कुल एक हेल्दी जो है डिलीवरी होती है। हाँ, अगर 41 वीक क्रॉस हो जाते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आप अपने डॉक्टर के साथ उसी वक्त कॉन्टैक्ट करें। फुल लगी है तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।